झालावाड़ जिले के गंगाधर थाना क्षेत्र के तलावली गांव में 2 दिन पूर्व हुए मर्डर मामले में पुलिस ने अभियुक्त को मध्य प्रदेश के शामगढ़ से गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक रीता तोमर ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि को मोहनलाल ने अपने ही पड़ोसी श्यामलाल की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी, जिसमें श्यामलाल ने चोमहला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम बनाकर रवाना की गई, जिसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हत्या के कारण में उसकी पत्नी व मृतक के कुछ संबंध का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर पूछताछ कर रही है। दिनांक 12 मार्च को गंगधर थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी की वारदात हुई थी, जिसमें कि आरोपी के द्वारा परिवादी को चाकू से वार किया गया था। दौरान इलाज परिवादी की मृत्यु हो गई थी। उस पर धारा 302 के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस टीम की अथक प्रयासों से 48 घंटे के अंदर ही आरोपी मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का प्रारंभिक अनुसंधान में जो मोटिव निकल के आया है वो ये है कि आरोपी को यह शक था कि जो मृतक है उसके उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, उसी शक के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी आरोपी पुलिस की रिमांड पर है और घटनाक्रम के संबंध में और जो चाकू उस घटनाक्रम में यूज हुआ था उस संदर्भ में अभी उससे अनुसंधान जारी है।